नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडोल, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो वाइसल सिग्नल कम स्किनर बनाया और उसी के थ्रू मैं आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ। कल के लिए मतलब 24 जनवरी 2019 के लिए मैंने स्टॉक चुना है मेरा वाइसल लेवल कम स्किनर डीप स्किनिंग करके, तो इसका व्यू आप लोग को दिखाऊँगा। उसके बाद निफ्टी कमोडिटी, निफ्टी बैंक निफ्टी कमोडिटी, इक्विटी फ्यूचर्स और 100 DMA स्ट्रेटेजी, रिसेंट दवार NR4 NR7 और कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्मेशन, कौन सा स्टॉक में हुआ है, कौन सा स्टॉक में कैसा कैंडल स्टिक फॉर्मेशन हुआ है वो आप लोग को दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को इसका रेगुलर व्यू मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और निफ्टी बैंक निफ्टी का डायरेक्शन का भी मैंने देखा था, वो उसका भी आप लोग को मिल जाएगा। और इसमें आप लोग इसको और बहुत सारा मेरा चार्ट का सेटअप है, स्ट्रैटेजी है, टेक्निक्स है, जो आप लोग को स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसमें फाइल में मैंने जो फाइल शेयर करता हूँ वाइसल लेवल 3 और वाइसल लेवल कम स्किनर, इसमें क्या क्या है आप लोग पिछले वाला वीडियोस देख लीजिए और कैसे स्किनिंग करना है उसको भी आप लोग देख लीजिए। तो आप लोग उसको देख लीजिए तो आप लोग को ये वीडियो और इसका आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकता है फ्री ट्रायल के लिए, इसमें पूरा फाइल मैंने शेयर करता हूँ। तो उसमें आप लोग और इसका फाइल डाउनलोड करने का लिंक आप लोग को मिल जाएगा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। तो इसमें बाई सेल लेवल मैंने 3 बाई लेवल एंड सेल लेवल रखता हूँ, तो और कुछ स्क्रीनिंग का इंडिकेटर रखता हूँ। तो इसमें देखिए आप लोग स्क्रीनिंग कर सकते हैं और बाई सेल लेवल देख सकता है। तो मैंने पहले बाई सेल लेवल 1 दिखाऊँगा, इसका बाई का एंट्री लेवल बीच में रहेगा, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएँ तरफ रहता है, टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएँ तरफ रहता है। और सेल का एंट्री लेवल बीच में रहेगा, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएँ तरफ, टारगेट 5 से टारगेट 8 दाएँ तरफ। और कौन सा लेवल का कौन सा है इधर से आप लोग को दिख जाएगा। और जब लाइव मार्केट में जब ट्रेड करना है तो मार्केट ओपन होने के बाद स्टॉक कौन सा लेवल पर है वो देख लेने के बाद देख लेना है, उसके बाद उसका उसी का हिसाब से ट्रेड लेना है। सोच लीजिए जैसे स्टाइल 634 के ऊपर ट्रेड हुआ तो नेक्स्ट लेवल आप लोग को 637 के 664 तक आप लोग को देखना पड़ेगा, 644 642 या 645 हो तो उसके बाद आप लोग को ट्रेड लेना है इस टारगेट के लिए। ऐसा करके आप लोग को समझ लेना पड़ेगा, देख लेना पड़ेगा। और इसके बाद ये वाइसल लेवल 2 दिखाता हूँ, यह वाइसल लेवल 2, इसको भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें देखिए इसमें आप लोग इसमें वाइसल लेवल 1 टारगेट 1 टारगेट 2 दिखाता है और इसके बाद टारगेट 3 आ रहा है, सॉरी वाइसल लेवल 3, यह है बाई सेल लेवल 3, इसमें R1 बाई का एंट्री लेवल रहता है और S1 का एंट्री लेवल रहता है। पिवट पॉइंट इसका स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट आप लोग नोट कर सकता है, ये भी आप लोग इसका हिसाब से भी आप लोग ट्रेड ले सकता है। बुलिन जेबैंड का अपर बैंड लोअर बैंड एंड मिड बैंड का वैल्यू भी नोट कर सकता है, प्राइस चैनल का अपर बैंड मिड बैंड और लोअर बैंड का वैल्यू नोट कर सकता है। और टीरोल लेवल दिखाऊँगा, यह टीरोल लेवल जिसका वैल्यू इसका भी टॉप लाइन मिडिल लाइन और बॉटम लाइन का वैल्यू नोट कर सकता है, ये सब भी आप लोग को एंट्री पॉइंट हो सकता है। इसके बाद मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू दिखाऊंगा, निफ्टी उसका भी बाई सेल लेवल 1, 2 और 3 तीनों दिखाऊंगा पिवट पॉइंट और जो प्राइस चैनल जो है उसका भी व्यू दिखाऊंगा, तो आप लोग नोट कर सकते हैं। और इसी के हिसाब से आप लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी को लाइव मार्केट में मॉनिटर कर सकते हैं। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स है और ये निफ्टी बैंक निफ्टी का इंडेक्स है। तो इसमें देखिए वाइस लेवल 1, इसके बाद वाइस लेवल 2, इसके बाद आएगा वाइस लेवल 3, गए वाइस लेवल 3, ये है स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट और ये बोलिए प्राइस चैनल लेवल। उसके बाद मैंने कम्युनिटी का लेवल दिखाऊंगा,
7-1-2 3 स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट बोलिंजर बेल प्राइस चैनल तुरंत ले लें। तो आप लोग पॉज करके देख ले सकते हैं, मैंने जल्दी शेयर किया क्योंकि और भी चीज़ दिखाना है और मेरा वीडियो का लिमिटेड टाइम है। लोग मेरे तो वीडियो का बाइसल लेवल कम स्क्रीनर का परफॉर्मेंस वाला वीडियोज भी आप लोग देख सकते हैं, तो उसमें आप लोग को पता चल गया कैसे एंट्री करना है, कैसे परफॉर्म करना है। जब स्टॉक्स का व्यू मैंने अभी नहीं बताता हूँ, बाइसल लेवल 1 ही दिखाता हूँ, सॉरी फ्यूचर्स का, इसका भी आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने 100 डे का जो मैंने स्ट्रेटेजी बनाया तो उसका कैसे कौन सा स्टॉक्स में फॉर्म हुआ है और दिखाऊँगा आप लोग को। इधर देखिए अदनी पाओ और रिपोर्ट, तो देख लेते हैं बस चार्ट पे अदनी रिपोर्ट का रिपोर्ट। एवरेज देखिए आज का कैंडल को ये काट किया है, तो इसका हाई और लो आज का कैंडल का जब हाई लो ब्रेक करेगा तो अच्छा मोमेंट देने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो इसको आप लोग जिस जिस कैंडल को आज का 100 डे मूविंग एवरेज काट किया है तो उसका हाई लो जब ब्रेक करता है तो अच्छा मोमेंट देता है। इधर देखिए BPCL को भी देख सकते हैं, चार्ट पे भी दिखा देता हूँ तो आप लोग को क्लियर मालूम पहुँच जाएगा, इसीलिए मैंने चार्ट में दिखा देता हूँ। तो BPCL में ठीक से नहीं काट किया है, थोड़ा सा ऊपर जाकर काट किया है, लेकिन आप लोग इसको पकड़ सकते हैं और इसका हाई लो भी देख सकते हैं। सिग्नल को एक बार देख लेते हैं, इधर काट किया है तो इसका भी आएगा आप लोग नोट कर सकते हैं और इसका हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा इसके बाद मैंने इंसान के बाद ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दिखाऊंगा, देखिए कौन से स्टॉक्स में इंसान के बाद विनर 4 और विनर 7 फॉर्म हुआ है, कुछ कुछ दिखा दूंगा आप लोग को। इसलिए स्टॉक्स में अदानी एम में विनर 4 विनर 7 दिखा रहा है, तो अदानी एम आप लोग को चार्ट में देखने का पर्पज़ ये है कि आप लोग को पहले तो आइडिया समझ में आ जाएगा, उसके बाद अगर ऐसे कौन सा फॉर्म हुआ है आप लोग को भी इधर से क्लियरली दिख जाएगा, एक्सेल में जो दिख रहा है उधर चार्ट में भी फॉर्म हो रहा है। तो इधर देखिए इधर जो आज का जो हाइया लो है इसका, ये अगला 3 दिन का और अगला 6 दिन का मेरा पहला सेम तीन दोनों फॉर्म है, तो हाइयों का जो डिफरेंस है वो आज का दिन का सबसे कम है, तो इसीलिए इसका मेरा पहला सेम, तो आज का दिन का ये कैंडल का हाई जब ब्रेक करेगा तो इसका आप लोग को ट्रेड का एंट्री ले सकते हैं या प्रॉफिट दे सकते हैं। ऐसे प्रीमियम तो छोटा होता है, बाजार छोटे को एक बार देख लेते हैं बाजार छोटे में क्या हुआ है। इसमें इनर 4 इनर 7 ठीक है, उसको उसमें ग्राफ और इनर 7 को देखा दिया होगा, इनर 4 इनर 7 बायकॉन को देख लेते हैं, वन डे का हिसाब से रिजल्ट दबार है। बायकॉन देखिए वन डे का हिसाब से ये हमें आज का कैंडल को, आज का जो कैंडल है इसका अगला दिन का कैंडल को ये अगला दिन का कैंडल का अंदर रह गया, मतलब इस कैंडल का अंदर रह गया, हाई लो का अंदर रह गया, तो इस कैंडल का हाई लो जब ब्रेक करेगा तो आप लोग को ट्रेड लेना है। इसका कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने चार्ट में दिखाता हूँ और तो आप लोग को भी चाहिए तो इनर 4 इनर 7 दिखा दिया और